दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की दो और मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। लखनऊ से कांग्रेस ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि केसरगंज से विनय कुमार पांडे और इंदौर से पंकज सिंधवी को उम्मीदवार बनाया है। हाईकोर्ट ने IPS अफसर को धमकी देने पर मुलायम को भेजा नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को साल 2015 में फोन पर धमकी देने के आरोप में सभासद रक्षक मुलायम सिंह यादव को नोटिस भेजा। पुलिस ने इस मामले में मुलायम को क्लीन चिट दे दी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट खारिज कर शिकायत के रूप में मामला दर्ज किया था। हम पूरी गरिमा से चुनाव लड़ेंगे, लखनऊ से शत्रुघ्न की पत्नी के चुनाव लड़ने पर राजनाथ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और गठबंधन प्रत्याशी पूनम सिन्हा द्वारा चुनाव लड़ने पर BJP उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने कहा है, हम पूरी गरिमा के साथ चुनाव लड़ेंगे। तहजीब जो लखनऊ की बहुत बड़ी धरोहर है, उसको भी हम कायम रखेंगे। उन्होंने कहा, किसी को तो चुनाव लड़ना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की सुंदरता है। किसी के खिलाफ नहीं, लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। बेंगलुरु सेंट्रल प्रत्याशी राज, बेंगलोर सेंट्रल के स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अभिनेता प्रकाश राज ने मंगलवार को कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। उन्होंने आयकर विभाग की छापेमारी पर कहा कि सरकारी एजेंसियों को उनका काम करने देना चाहिए और ईमानदार लोगों के डरने का कोई कारण नहीं है। मतदान के दो दिन पहले DMK उम्मीदवार कनिमोजी के घर पर आयकर के छापे। तमिलनाडु में 18 अप्रैल को होने वाले लोकसभा के लिए मतदान से पहले मंगलवार शाम को आयकर विभाग की टीम ने DMK नेता कनिमोजी के तुतिकोरिन स्थित घर पर छापा मारा। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।